होडल सीआईए पुलिस ने 9 दिन पूर्व एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर बंदूक की नोक पर हजारों रुपए की नकदी एवं जरूरी सामान को लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर ले लिया जाएगा। होडल सीआईए प्रभारी जगशेर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले सुभाष चौधरी ने होडल थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 22 जनवरी को वह आगरा से होडल अपने भाई से मिलने के लिए आया था। जब वह हसनपुर चौक से पैदल आदर्श कॉलोनी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बाइक सवार 3 युवक आए और उसके साथ मारपीट कर देसी कट्टा दिखाकर उसके पर्स में जिसमें 3500 रुपए रखे हुए थे, जो जरूरी दस्तावेज एवं मोबाइल फोन को लूट कर मौके से फरार हो गए। इस मामले की जांच जिला पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल एवं होडल आई पुलिस को भी सौंपी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए होडल सीआईए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान गांव गड़ी निवासी कृष्णा एवं ज्ञानेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड अवधि के दौरान आरोपियों से वारदात में प्रयोग की गई बाइक, हथियार एवं लूटे हुए सामान की बरामदगी की जाएगी एवं उनके फरार चल रहे एक अन्य साथी के बारे में पता लगाया जाएगा। गिरफ्तार के लिए कहां से किया और क्या मामला है? देखिए, 23 तारीख की बात है, सुभाष चौधरी पुत्र रघुवीर सिंह दयालबाग आगरा का रहने वाला है। इसने एक शिकायत दी थी कि उसके साथ 3 लोगों ने मोटरसाइकिल पर लूटपाट की है और उसमें मुकदमा नंबर जो 52 था वो धारा 379B के तहत दर्ज किया गया था। तो इसी कड़ी में ये इन्वेस्टिगेशन माननीय SP साहब ने हमारे यहाँ पर ट्रांसफ़र की थी और हमारी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें 2 व्यक्ति हैं, कृष्ण और ज्ञानेंद्र, ये जो गढ़ी गाँव के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी सुनील है, जो होटल का रहने वाला, वो अभी फरार है। तो जो वारदात में वेपन इस्तेमाल किया था, क्या वो रिकवर किया है अभी या नहीं? देखिए, आज इनको अभी कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से इनको 2 दिन के रिमांड पे लिए गया है और इस रिमांड के दौरान जो मोटरसाइकिल है जिस पर इन्होंने वारदात की थी और जो वेपन है, जो लूटा हुआ सामान था, वो सारा रिकवर करना है। क्या ये पहले भी वारदात करते थे? अभी आज पुलिस रिमांड पे लेके पूछताछ करेंगे। एक व्यक्ति है इनमें जो कृष्ण, इसके खिलाफ एक मुकदमा पहले चोरी का दर्ज है सर। तो आपने क्या कार्रवाई की इनके खिलाफ? इनको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और वहाँ से 2 दिन का रिमांड लिया है।